DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. जी, ये रेलवे स्टेशन पे फुटओवर ब्रिज बना हुआ है लोहे का, जो धीरे धीरे लोहा क्या इसका गलता गया और ये एक एंगल गिर गई लोहे की. यहाँ पे क्या 4 से 5 ऑटो वाले खड़े थे और रिक्शा वाले वगैरह सब ही खड़े थे, जो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो 2 मिनट के लिए आगे पीछे हो रखे थे. बाकी तो उनके वैसे तो जन हानि नहीं हुई. क्या बड़ा हादसा हो सकता था? बहुत बहुत बड़ा हादसा हो सकता. क्या स्थिति ब्रिज की? क्या स्थिति मानते हैं? अभी कोई भरोसा नहीं है. कभी भी कोई भी लोहा गिर सकता है, कभी भी किसी के भी लग सकती है. ये जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए. कोई निगम आए? कोई निगम टीम वगैरह? नहीं जी, कोई नहीं आया. हाँ, ये जो ब्रिज का काम चल रहा है, इन्होंने एक क्रेन लगा कर हटाई थी. इन्होंने काफ़ी मदद करी, मतलब लोगों को रोका, ट्रैफिक रोक के फिर धीरे धीरे करके साइड में कर दी एंगल. जो गिरने वाली थी, जो लोहा गिर रहा था, उसे साइड में कर दिया. कम से कम सर ये देख लो, एक तो लंबी एंगल थी और तीन टुकड़े हो चुके थे एक एंगल के, 3 से 4 टुकड़े हो गए. आपका नाम? आकाश चौबे. सर आज तकरीबन 2:45 से 3 बजे के बीच में ये रेलवे स्टेशन जो फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, इस पर अचानक से ऊपर लोहे के एंगल जो हैं वो अचानक से नीचे गिरने लगे. नीचे कुछ एक रिक्शा खड़े थे, कुछ एक ऑटो खड़े हुए थे, जिसके अंदर वो रिक्शे वाले और ऑटो वाले बैठे हुए थे. मगर कुछ भगवान की ही मेहरबानी समझिए कि उनके लगी नहीं, खूब सारा लोहा और चूना मलवा उसका उनके ऊपर गिरा. थोड़ा बहुत हल्का फुल्का किसी के हाथ पे लगी, बाकी कुछ विशेष जनहानी नहीं हुई. क्या बड़ा हादसा हो सकता था? बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था. ये तो कुछ भगवान की मेहरबानी समझिए कि उस वक्त यहाँ पे रोड पे भी काम चल रहा है, तो ये इन लोगों ने लोगों को रोका हुआ था, तो उस वजह से ये बड़ा हादसा होते हुए उठते बच गया. अदरवाइज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था. ये फुट ओवर ब्रिज स्टेशन रोड का है. मेरा नाम ललित मेहरा है. आज बची गए, मतलब देख लो नीचे 4-3 तो रिक्शे खड़े थे और बहन के लंड ऑटो वाले खड़े थे 8-10.